हेलो दोस्तों, आज मैं अंडे के एक रेसिपी बनाती हूँ। इसके लिए 4-5 अंडे उबाल कर रखी हूँ और गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखकर थोड़ा तेल डालकर मैं 3 प्याज को कट कर इसमें डाली हूँ। ये अच्छी तरह से तलिए और 1 मिनट तलने के बाद इसमें थोड़ा नमक डालकर ये अच्छी तरह से इसको सुनहरी रंग होने तक ये प्याज को आपको भूनना है। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब आप इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा कश्मीरी मिर्ची पाउडर, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से इसे तलिए और 1 मिनट तलने के बाद इसमें सौंफ का पाउडर और मटन मसाला आपके पास है तो थोड़ा इसमें डालिए। अब इसको भी अच्छी तरह से भूनिए। अब देखिए वो मसाला का स्मेल जाने के बाद मैं 1 कप गर्म पानी डाली हूँ और इसको ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट पकाइए मीडियम फ्लेम में। अब देखिए थोड़ा पानी गया है। अब ये प्याज को आप अच्छी तरह से मैश कीजिए। देखिए सॉफ्ट हो गया है प्याज। अब 1 मिनट और इसको पकाकर देखिए, आपको यही इसमें ये क्वांटिटी चाहिए तो आप इसमें अंडे डालकर आप चपाती के लिए सब यूज़ कर सकता है। मुझे थोड़े ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी 1 कप डालकर उबला हूँ। देखिए अब इसमें 1 मिनट ढक्कन लगा कर अब इसमें वो अंडे है ना उसको कट कर मैं इसमें डाली हूँ। देखिए हमारा अंडे का चॉप्स रेडी है। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखिए अंडे चॉप्स रेडी हो गया है। थैंक यू।